फतुल्लकपुरा गांव में उपस्थित हो, जो कि कल सुबह लड़की 9 बजे स्कूल के लिए गई थी, उसको कुछ दबंगों ने अगवा करके उसको एक गाड़ी में ले जाकर उसका कुछ गलत कार्य करने के बाद में उसको 3 बजे गांव में उतार दिया जहां से वो उठाए थे। इसका मैं ग्राइंड रिपोर्ट के एरिया में ग्रामीणों से बात करना चाहता हूं कि यहां पे क्या घटना कल हुई थी। दादी जी कल क्या हो गया था? कल कुछ नहीं भाव मान लियो, उठाए बाद मान लियो सुनी नहीं गए, रुपया का कुछ नहीं सुना गया, जो कोई जाता तो खरीदा जाता। तो कितने समय कल उठाया गया था? 9 बजे और 3 बजे छोड़ देंगे। कहाँ उठाए थे? जहाँ से उठाए ना है वही जगह छोड़ देंगे। तो कैसे जानकारी होगी ले गए थे? जान गए मान लियो, जो कोई दाखा रहा तो आवा घर पर बताई तो जाने पाए घर के मनाई। तो कौन कौन उठाए थे? सचिन और लाल जी, आदर स्वयं चार जने। अरे चार लोग थे और हम ग्रामीणों से कुछ ग्रामीणों से जानकारी करना चाहते हैं। बताओ आपके क्या? चेतराम कल की घटना क्या हुआ था? कल की घटना लड़की स्कूल जाते रहे, अरे 9 बजे करीब सुबह तो वहाँ से चरपहिया से कौन सी चरपहिया? चरपहिया हमका नहीं मालूम कौन है, लेकिन चरपहिया है। चरपहिया में उका समझ लियो साइकिल से रहा, साइकिल बहा दे पट्टी वट्टी आखिर बांधे हैं। उनके बाद में उठा लेके लौट गए 3 बजे लाइव के फिर छोड़ दे। इसके बाद थाने में कुछ थाने में रिपोर्ट करे गए तो हमारे मान चलो कल नहीं सुनवाई भाई, आवाज डंडा ले लेके खेते जाते हैं। और जब गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तहसील कर दे कहा हाँ हो जाए कार्रवाई चल रही यही बता रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि थाना में कोई इनकी पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रही है और ये जयपुर थाना कुछ सम्मिलित होने का भी शंका जताई जा रही है। मैं कुलदीप सिंह वर्मा, जेएनआई न्यूज चैनल, लखनऊ। आपका क्या नाम है? लल्लन रावत नाम है। आप कहाँ के निवासी हो? ग्राम फतुल्लापुर। थाना कौन सा लगता है? जयपुर। कल सुबह 9 बजे आपकी बिटिया के साथ क्या वारदात है, पूरी बात बताइए। कल सुबह 9 बजे में बिटिया घर से स्कूल जाने के लिए निकली और 9:15 लगभग माँ उस लड़की को गाँव से थोड़ा बड़ी थी कि आगे गाड़ी ओवरटेक करके और कौन सी गाड़ी थी? चार पहिया गाड़ी ठीक। और ओवरटेक करके बिटिया को जबरदस्ती अंदर बैठा लिया गया और लौट के ना 2:30-3 बजे बिटिया को वहीं छोड़ दिया गया 3 बजे। तो क्या आपको आशंका है कि आज बिटिया के साथ कुछ गलत व्यवहार भी हुआ है? जी बिटिया बयान कर रही है, बयान भी दिया है थाने में, बयान हो चुके हैं कि मेरे साथ चार लोगों ने क्या किया, गलत दुष्कर्म किया है, गलत काम किया है। अच्छा, लेकिन तो बिटिया की उम्र क्या रही होगी? करीब 16 साल है। 16 साल है।